जिले में लगातार ही अन्य प्रदेशों और अन्य जिलों के लोग लगातार ठगी के मामलों में इन्वॉल्व होकर दमोह के लोगों को ठग रहे हैं और यह मामले लगातार पैसों की ठगी के आ रहे हैं, पैसों के मामलों में सामान की ठगी के आ रहे हैं। दमोह के स्टेशन चौराहे पर स्थित एक दुकानदार से करीब 80,000 रुपये के सामान की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। सरकार चाहती है कि डिजिटल पेमेंट हो, कैशलेस ट्रांजेक्शन हो, उसके बावजूद लोग उसको प्रयोग कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन लोगों को इस प्रक्रिया को पालन करने के दौरान ठगी का सामना होना पड़ रहा है। दरअसल दीपक तिवारी जो इलेक्ट्रिकल की दुकान चलाते हैं, इनके पास एक व्यक्ति आया जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। उसने कहा कि उसे सामान चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक का बायर चाहिए है। बायर दीपक तिवारी के द्वारा उन्हें प्रोवाइड कराया गया, 80,000 रुपये का चेक उनके द्वारा दिया गया, लेकिन वह 80,000 रुपये का चेक जब उन्होंने बैंक में जमा किया तो वह चेक बाउंस हो गया। ऐसे में दीपक तिवारी क्या गुहार लगाते हैं, क्या घटना उन्होंने बताई है, आपको सुनाते हैं। से यहाँ पे बैठते हैं, ओनर हैं, हमारे पास एक आदमी आया 4-5 दिन पहले लगभग, कहने लगा हम प्रेम नगर के निवासी हैं और हमें कुछ माल चाहिए पॉलीकैप वायर का। हमारे पास वो आया, ऑर्डर ले गया, कहने लगा अगले दिन आप हमारे यहाँ प्रेम नगर में भेज दीजिए, गार्ड बैठता है उसको वहाँ दे देना आप माल, वहाँ से आप अपना चेक कलेक्ट कर लेना। अपन ने चेक कलेक्ट किया, माल दिया, उसके बाद माल का पता ही नहीं है माल कहाँ गया, और अपन ने जब चेक लगाया वो भी चेक फर्जी निकला, बाउंस हो गया पूरा। पार्टी को अपन फ़ोन लगा रहे हैं, पार्टी का फ़ोन स्विच ऑफ है, होशंगाबाद लोकेशन आ रही है। उसके बाद फिर अपन ने पता लगाया भैया चलो माल ही मिल जाए, तो पता चला कि जो गार्ड है, गार्ड ने क्या किया 100-200 रुपये लेके माल को यहाँ वहाँ किया है। बस स्टैंड पे पता लगाया किस बस पे रखा, तो पता चला सागर गया है वो माल। सागर में 2-4 लोगों का नंबर अपन को पता चला है, लोकेशन भी ट्रेस कराई गई है, पर उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई हमारी पुलिस अध्यक्ष जी नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। हम 4-5 दिन से घूम रहे हैं, कितने का माल ना कोई है सर, अपना लगभग 1-1.5 लाख रुपए का माल था जिसकी अपन को कुछ चेक पे अमाउंट मिली है, बाकी वो कह रहा था माल रिसीव होने पर हम आपको देंगे, पर स्टिल कोई भी मतलब अपन की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हम बहुत परेशान हैं। चौकीदार ने एसी अपान भंडार के यहाँ से ऑटो वाले को पैसे दिलाए, मतलब बहुत बड़ी लंबी मिली भगत है, भोपाल तक के भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और वो हमारे साथ ऐसा कर चुके हैं, साथ ही साथ 1-2 लोग के साथ और ऐसा कुछ कर चुके हैं, जैसे सीमेंट का एक कांड हुआ था उसकी भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हमारा यही अनुरोध है आप लोगों से कि प्लीज़ इस पर कुछ कार्रवाई करें। पार्टी जब हमें पता है कि कहाँ बैठी है, लोकेशन ट्रेस है, तो हमारे हिसाब से उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। नगद कितना मिला था आपको चेक? नगद सर कोई भी नहीं मिला सर, चेक बस मिली थी हमें, बाकी नगद की बात थी तो अपन ने फिर उतना माल ही नहीं दिया, सिर्फ 80,000 का अपन चेक लेके आए, जितने का अपन को माल, अपन ने उतने का माल दिया, बाकी फिर अपन ने भैया पहले देख लो पार्टी उसके बाद माल दो, ये सब अपने साथ हुआ है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है सर। क्या नाम लिखता हूँ? दीपक तिवारी नाम लिखता हूँ मैं, प्रोपराइटर हूँ दीपक इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का।